नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट में जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार एक मंदी का दौर चल रहा है, तो लगातार हम एक इस दौर का फ़ायदा उठाने के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन या स्टॉक आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। ऐसा ही एक स्टॉक आइडिया है TCS। TCS लगातार पिछले कुछ महीनों से गिर रहा है और अभी हाल ही में जो रिजल्ट्स आए उनको भी थोड़ा डिसअपॉइंट किया मार्केट को, और वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि अगर वैल्यूएशन एडजस्ट की जाए तो जो कोविड से पहले वैल्यूएशन थी सन 2020 में, वहाँ पे आ गया। रेट वो नहीं आया, बट वैल्यूएशन उसकी डिस्काउंट अगर की जाए अर्निंग से, तो वो तकरीबन वहीं पे आ गई है जहाँ पे कोविड जब स्टार्ट हुआ था तब आ गया। तो इन अ वे आप कह सकते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम कोविड के कारण IT स्टॉक्स को मिला वो अब रिवर्स हो गया है, तो इसलिए सेफ्टी नेट काफ़ी आ गया है TCS में। अगर आप वैसे भी देखें तो कंपनी लार्जेस्ट है IT सर्विसेज में, बहुत अच्छी से इस्टेब्लिश्ड है और कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हुआ। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मार्केट को हुई बेसिकली कि मार्जिन्स पे कुछ प्रेशर आ रहा है, क्योंकि यू नो कॉस्ट बढ़ रही है, खास करके वेजेस बढ़ रहे हैं और एट्रिशन काफ़ी हाई है IT इंडस्ट्री में, तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा है TCS पे। बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई लॉन्ग टर्म या कोई परमानेंट इम्पैक्ट है, पासिंग फेज है, जो कि मेरे ताबिक TCS जैसी कंपनी के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ओवरकम करना, और जो भी नई रियलिटीज़ हैं उसके साथ अगर एडजस्ट भी किया जाए तब भी TCS अब इस रेट पे एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए। हल्का फुल्का और फॉल आ सकता है, वो कोई रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि IT सेक्टर जनरली वीक है, और अगर NASDAQ जिस तरह से वीकनेस दिखा रहा है, अगर और वीक ने वहाँ पर फॉल आई तो यहाँ पे भी हम मान सकते हैं कि उसके लिंक्ड एक और फॉल आएगी, उसमें TCS भी नीचे आ सकता है। पर अगर आप यहाँ से कम्पलीट करना शुरू करेंगे तो ये काफ़ी शॉर्ट बेट है जो कि आपको अगले दो कुछ सालों में एक अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। इसके अगर आप और इसके देखें तो इसमें जो रिटर्न रेशियोज़ हैं एक्चुअली इम्प्रूव हुए हैं डिस्पाइट जो भी प्रेशर हुआ है मार्केट में और अट्रिशन जो कंसर्न्स हैं, उसके बावजूद उनका रिटर्न ऑन कैपिटल पहले से बेटर हो रहा है, लगातार बेटर हो रहा है और प्री कोविड टाइम से भी बेटर है, और रिटर्न के जो बाकी रेशियोज़ हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ सब बेटर हुए हैं, क्योंकि कंपनी ने दो बायबैक्स भी दिए हैं पिछले दो सालों में, तो उससे भी एक रिटर्न रेशियोज़ बेटर हुए क्योंकि बैलेंस शीट में इन्होंने अपना कैपिटल कम कर दिया, तो बैलेंस शीट का पर शेयर होल्डर स्ट्रेंथ बड़ा है, डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छा देती है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो मेरे मुताबिक जैसे मैंने बताया कि वैल्यूएशन तकरीबन वहीं आगे जहाँ पे फरवरी 2020 में थी कोविड से पहले, तो काफ़ी कंफर्ट फैक्टर है यहाँ पे लेने का। और IT सेक्टर का ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पूरे दुनिया में जहाँ पे प्रेशर है सॉफ्टवेयर और IT लिंक सर्विसेज में, वहाँ पे यहाँ पे भी प्रेशर रहेगा, और मैं ये भी मानता हूँ कि US की जो टेक कंपनीज़ बहुत सस्ती अब कोट हो रही हैं और हिंदुस्तान के मुकाबले में उनकी कोटेशन उनकी डिस्काउंटिंग और भी ज़्यादा सस्ती है, पर जो यहाँ पर एक USP है इंडिया का कि आउटसोर्सिंग में अभी भी कोई भी कंट्री इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा जितना इंडिया है, तो आउटसोर्सिंग जैसे ही नॉर्मल एक इकॉनमी में अभी जो रिसेशन है वो ख़त्म होगा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वापस आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ वापस आएगी, तो आउटसोर्सिंग ऐसी चीज़ है IT की आउटसोर्सिंग एटलीस्ट जो बढ़नी ही बढ़नी है, और उसमें इंडियन IT का जो शेयर है वो लगातार हम देख रहे हैं कि बना हुआ है, ख़ास करके दिग्गज कंपनीज जैसे TCS। तो इसलिए अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, स्टॉक काफ़ी अच्छा टूटा है, 3900 से 3000 पे आया है, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि अबाउट 25% का फॉल है, 25 से भी ज़्यादा परसेंट का। तो इसलिए मेरे मुताबिक यहाँ पर सेफ्टी वाइज ये बहुत अच्छे सेफ जोन में है, और अगर आप इसको एक्युमुलेट करते हैं यहाँ से और थोड़ा स्कोप रखिए नीचे पे अगर आता है तो और ले सकें और कुछ साल तक रख सकें, तो ये काफ़ी सेफ और सिक्योर रिटर्न
आपको देने की क्षमता रखता है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा और मैं समझूंगा कि आपका एक कंजर्वेटिव 3600-3700 का टारगेट अचीव हो सकता है एक साल के अंदर, जो कि यहाँ से 20% अपसाइन देगा। और डिविडेंड पेइंग भी, डिविडेंड भी इनका अच्छा है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं और स्ट्रेंथ कंपनी की बहुत अच्छी है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है किसी और आईटी कंपनी या किसी और कंपनी के साथ इंडिया में। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और इसमें निवेश करेंगे। और मैं इसके साथ ही मैं कहूँगा कि मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। ये जो नंबर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो शेयर मार्केट की या म्यूचुअल फंड की, लिंक जरूरी नहीं आपने निवेश करना है पर कोई आपका पोर्टफोलियो क्वेरी हो या कोई शेयर्स की या म्यूचुअल फंड की, वो आप इस नंबर पे आप फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरा वीडियो देखने के लिए, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।